वाहेगुरु जी की फतेह। कल रात लगभग 9:15 बजे गुरद्वारा दुखनवार साहब पटियाला विखे एक बड़ी मंदभागी घटना वापरी। एक लड़की जो नशे दे विच सी सरोवर के उपर बैठी हुई सी, सरोवर से उहदे जदों दारू पीण लगी उत्थे बैठ के, उत्थे संगतां ने जदों देखिया साडे मुलाजम गुरद्वारा साहब दे जो ड्यूटी ते सन उह वी पहुंचे, उस लड़की नूं फड़ के दफ्तर विच लिआंदा गया। लिआउण तों पहलां उस लड़की ने जो उहदे हत्थ विच बोतल सी शराब दी उह तोड़ के साडे सेवादारां ते अटैक कीता, जो साडे सेवादार दी बांह दे उत्ते लगा जिहड़ा इंजर्ड हो गया। उपरंत संगत दे सहयोग दे नाल साडे सेवादारां ने उहनां नूं फड़ के उस लड़की नूं दफ्तर दे विच लिआंदा, उहदी पुछगिछ कीती गई। इन दी मेन टाइम क्योंकि पुलिस नूं इनफॉर्म कर दिता गया सी मनेर साहब वल्लों, पुलिस मौके ते पहुंची। 2-4 मिंट मुढ़ली पुछगिछ तों बाद पुलिस उस लड़की नूं नाल लै के गुरद्वारा साहब तों पुलिस स्टेशन वास्ते चल पई। सामने एक सिंह जो श्रद्धालु सी, जो जज्बात दे विच आ के, मैं कहांगा भावना दे विच आ के, उन्हें उस लड़की दे आपदे रिवालवर तों गोलियां चला दित्तियां। गोलियां लगण कारण उस लड़की दी मौके ते मौत हो गई। पुलिस नूं उस लड़के ने, उस सिंह ने अपना रिवालवर ते अपने आप नूं उस वेले पेश कर दिता ते लड़की नूं हस्पताल पहुँचाया गया। इस घटना दरम्यान साढ़े एक गुरद्वारा साहब दे जो रोजाना इत्थे श्रद्धालु आउंदे ने उन्हां विचों एक श्रद्धालु दे पेट विच भी गोली लगी, जो रजिंद्रा हस्पताल विखे इस वेले एडमिट है, जिहदा इलाज चल रहा है। बड़े साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुलाजम ने वो दी सेवा दे विच लगे हुए ने, ड्यूटी दे रहे ने। सो ये घटनाक्रम रात इत्थे वापरिया जिहड़ा बड़ा ही निंदनयोग आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े मानयोग प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों इस घटना की पुरजोर, साढ़े सारे वालों मैंबर साहबान सारे बैठे ने, पुरजोर निखेधी की जाती है कि घटना मंदभागी है। उस लड़की दे जदों उन्हूं फड़िया गया उहदे बैग की तलाशी ली गई, जिथे शराब की बोतल तो मैं तुहानूं दस्सिया भी उहदे कोल सी, उन्हें तोड़ के साडे सेवादारां ते अटैक करन की कोशिश भी की, अटैक किया भी, तो उहदे बैग दे विचों जरदे दीआं पुड़ियां भी मिलियां, कुछ नशीलियां गोलियां भी उहदे बैग दे विचों मिलियां। ये लड़की कल्ली सी जो उत्थे पाई गई है, तो कोई होर कोई इहदा वाली वारस भी नहीं इत्थे पहुंचिया, तो पुलिस जिहड़ी सी उह इहनूं लै गई सी। देखो लंबे समय तो असीं देख रहे हाँ ये गुरद्वारा साहिबान दे विच अजिहियां घटना वापरियां, भावें हरिमंदर साहब दरबार साहब की गल करिए, पिछले समय दे विच तुसीं मरिंडे जिहड़ी घटना वापरी है बड़ी ही अत निंदनयोग घटना वापरी है। वक् वक् गुरु घरां विच बेअदबियां हुंदियां आ रही वा। मैं समझना कि इहदे पिछे की साजिशां ने, की कारण ने, ना तो सरकारां इह साबित कर सकियां हाले तक, ना सिख कौम नूं कोई इंसाफ ही दे सकियां हाले तक, कोई पता नहीं लग रहा। इस करके मैं समझना कि लोग आ पिछले समय तो देख रहे, भावें मरिंडे वाली गुरद्वारा साहब वाली भी घटना जां कल इत्थे गुरद्वारा दुखनवार साहब विखे वापरी है, संगत दे विच रोस होण करके ते सरकारां कोलों इंसाफ ना मिलण करके, मैं समझना कि संगत आप इंसाफ कर लग गया, ये समझण दी लोड़ आ। सरकारां ये साबित नहीं कर सकी आ, ना कोई स्पष्ट कर सकी आ। देखो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपने प्रबंध असी अचेचे तौर पर हमेशा असारू करते रहने, साडे मनेजर साहब सारे मुलाजम थां थां ते
कैमरे लगे हुए आ, होर बहुत सारे असी साढ़े जिन्हें भी सेवादार अलर्ट रहिंदे ने, पर क्योंकि गुरु घर है ये असी किसी की हर श्रद्धालु की असी श्रद्धालु समझ के उसकी तलाशी भी नहीं ले सकते क्योंकि वह भी उल्ट गल जाती है। पर फिर भी मानयोग एडवोकेट साढ़े हरजिंदर सिंह धामी साहब तो समुची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उचेचे तौर पर फैसले लै रही है क्योंकि जिहड़े साढ़े प्रवेश गेट ने उन्हां ते कोई ना कोई अजिहे यंत्र असी लाउण दी कोशिश कर रहे हैं जिन्हां तों पता लाया जा सके अजिहे आंसर जिहड़े आ उह गुरु घर अंदर ना वड़ सकण। एक सोशल मीडिया के उत्ते लगातार यह गल चल रही सवेर तो जो भी घटना वापरी भी यह घटना प्रक्रमा के अंदर वापरी वो बारे की कहो? नहीं, मैं क्लीयर कर देना चाहना जे सोशल मीडिया के गलत गल् चल रही उन्होंने रोकने की लड़ है। ये घटना है जी गुरद्वारा साहब के अंदर नहीं वापरी, ये बिल्कुल गुरद्वारा साहब के बाहर वापरी है। तो उस वेले वापरी है जो पुलिस उस लड़की लैके पुलिस स्टेशन जा रही थी। गुरद्वारा साहब की हदूद के अंदर यह घटना नहीं वापरी, गुरुद्वारा साहब की हदूद तो बाहर यह घटना वापरी। ये सासा सामने आनिया चाहिए वा, पर मैं दसना चाहना थानू कि लंबे समय तो उड़ीक कर रही है संगत कि ये सासा का पर्दाफाश होना चाहिए वा। जो सरकार वालों ये नहीं पर्दाफाश हो नहीं संगत के सामने सच आया, फिर हूँ संगत जज्बात च आ गए संगतां भावना दे विच आ के फिर इस बन्ने तुर पईआं। सिखां दी जो मर्यादा सोधे दी रही है तुसीं इहनूं उस मर्यादा दा हिस्सा मन्नदे जां इक भाव? देखो किते ना किते मैं समझदा कि जदों सिखां दे भावना नूं ठेस पहुँचदी आ, मस्से रंगण वाला देखो इतिहास असीं सारे जाणदे आ, अज